बढ़ते रहो, दर्शन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चंद्र में लेजर लगो क्यों आ भाई, क्यों कौन देखो तू फोटो सही लेते हैं कि मांगने नहीं तो क्या मेरे यार। हाँ मेरे नाम कमाए, ये नाम कमाए आगे बढ़ो। चलते रहो भैया, दूरी बनाए रखो, चलते रहो आगे। चलो रुपया काम है, पहले मतलब इतना नहीं रहता था, पहले ये गेट वगैरह ओपन रहता था। इस बार है ना सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और मंदिर का गेट बंद कराया गया है, बिकॉज बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए। इस सावन में हमने दर्शन बाहर से किए, बाहर से कैमरे से CCTV कैमरे के थ्रू हमको दिखाए जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन। बाकी पिछली बार हमको मतलब जैसे दूध चढ़ाने को मिलता था, पूजा वूजा करने को मिलता था, बट इस बार हमको बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं और मंदिर के गेट वगैरह बंद कराया जा रहा है। 5 सोमवार है जो अगली बार शायद हो सके, अगर भीड़, अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, लोग अगर थोड़ा जागरूकता रखें और थोड़ा अवेयरनेस रहे, अवेयर रहे, तो फिर दर्शन हो सकते हैं। सावन के पहले सोमवार पर हरणी महादेव मंदिर स्थित पर हर साल की भांति इस साल जितने श्रद्धालु आते हैं वो इस COVID-19 और वैश्विक महामारी की वजह से नहीं आ पा रहे। हरणी महादेव सेवा समिति पूरे जितने भी सदस्य है वो मिलकर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रखे, सरकार की जैसे गाइडलाइन है उसका पूरा ध्यान रखते हुए निज मंदिर के अंदर दर्शन नहीं हो रहे हैं, बाहर ही LED लाइव दर्शन हो रहे हैं। जैसे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए यहाँ का दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को यही संदेश है मंदिर कमेटी की ओर से कि जैसा सरकार की गाइडलाइन है उसी की पालना करते हुए, उसी की नियम को पालन करते हुए, अपने को ध्यान रखते हुए दर्शन के लिए आना है और घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। ये शहर के समीप प्राचीन जो शिवालय है और ये मेवाड़ के प्रसिद्ध जो शिवालय है उनमें इनकी गिनती होती है। और ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो यहाँ का जो हमारे जो मंदिर है, ये भगवान शंकर का यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ का जो शिखर कलश तत्कालीन मेवाड़ के जो महाराणा थे भगवत सिंह जी, उनके द्वारा चढ़ाया गया था। लेकिन इस बार हर बार यहाँ जो सावन मास के अंदर बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और मेले जैसा माहौल रहता है, लेकिन COVID-19 के कारण इस बार यहाँ की जो समिति है इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ जो सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना की जा रही है। और देखा जाए तो इस बार COVID-19 की वजह से यहाँ जो सावन का पहला सोमवार भी है, लेकिन जो भीड़ आनी चाहिए, जो श्रद्धालुओं की यहाँ कतारें लगती है, उसका यहाँ अभाव देखने को मिल रहा है।